हाय फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में हम जानेंगे और सीखेंगे कि घर के हाउस वायरिंग के लिए किस तरीका से घर के दीवार को एंगल ग्राइंडर से काटते हैं और कैसे कंसील्ड पाइप को लगाते हैं। हम एक एक चीज़ को आपको बहुत ही आसान तरीका से और अच्छे से बताएंगे ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सको और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से अपने घर के हाउस वायरिंग को खुद से कर सकते हो और अपने पैसे को बचा सकते हो। इस घर का जो हम हाउस वायरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर 3 रूम है, एक बरामदा है और लेटरिन बाथरूम अटैच है और एक किचन है। इसका हम हाउस वायरिंग करेंगे। इसका मैं आपको फुल वीडियो बना के बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ पर किस तरह से हम दीवार को काटते हैं और क्या करते हैं वो मैं अभी दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो जहाँ पर भी हम बोर्ड लगाएंगे या फिर जैक्सन बॉक्स लगाएंगे, यहाँ पर हम जैक्सन बॉक्स लगा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पाइप के लिए पहले से ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन पहले यहाँ पर हम जैक्सन बॉक्स लगाएंगे। जहाँ पर भी आपको जैक्सन बॉक्स लगाना है या फिर बल्ब लगाना है या फिर बोर्ड लगाना है, वहाँ पर माप लेना है। पहले बोर्ड रख के वहाँ पर मेजर कर लेना है कि कितना दूर हमें काटना है, और उसे हमें एंगल ग्राइंडर से इस तरीके से कट कर लेना है, और कट करने के बाद उसे हमें हटाना है। यहाँ पर हम एक बल्ब लगाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो बल्ब लगाएंगे, तो इसे हमें इस तरीके से कट कर लेना है। और कैसे हम पाइप लगाएंगे उसे भी हमें कट करना है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और जब एंगल ग्राइंडर से आप काटते हो दीवार को तो बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ता है, एक्सेस धूल उड़ता है। तो आपको सावधानी से यहाँ से दीवार काटना होगा, और आपको कोई कपड़ा से आपको मुँह ढकना होगा, आँख में चश्मा पहन लेना होगा और पूरे मुँह को फेस को अच्छे से ढक लेना होगा, नहीं तो इससे बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ता है, आपका तबीयत ख़राब हो सकता है। और सबसे अच्छा ये होगा कि आप हेलमेट पहन सकते हो। हेलमेट पहन लोगे तो आपको आपका पूरा ढक जाएगा, सिर आँख वाँख सब कुछ ढक जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो आप, यहाँ पे हम एंगल ग्राइंडर की मदद से इसे हम काट लिए हैं। अब हम ड्रिलिंग मशीन से हम इसे हटाते हैं, जो कटा हुआ है उसे हम हटाते हैं। ड्रिलिंग मशीन हैम्बर मोड पे ड्रिलिंग मशीन को डाल देंगे, जिससे ये झेरी काटते हैं। काटने के बाद जो हटाते हैं, इसे जो काट रहे हैं उसे बोला जाता है झेरी काटना, मतलब पाइप लगाते हैं जहाँ पर इसे काट के हटाते हैं, इसे बोला जाता है कि झेरी को काट के हटाना। और इसे हम ड्रिलिंग मशीन से इसे हटाते हैं, या फिर आप छेनी हथौड़ा से भी हटा सकते हो यदि आपके पास ड्रिलिंग मशीन नहीं है तो। और ये ड्रिलिंग मशीन से बहुत ही आसानी से हट जाता है। अब देख, यहाँ पे लगाते हैं जैक्सन बॉक्स, यहाँ पर अभी नहीं लग रहा है, फिर से इसे हम हटाएंगे थोड़ा सा और काट के हटाएंगे, फिर से लगा के देखेंगे, अभी भी ये यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। तो हम एंगल ग्राइंडर की मदद से थोड़ा सा और काटेंगे और इसे हम अच्छे से लगा देंगे। यहाँ पर जो हम जैक्सन बॉक्स या फिर कोई भी बॉक्स लगाते हैं तो पूरा दीवार के अंदर पूरा का पूरा चले जाना चाहिए, सिर्फ आधा इंच बाहर निकलना चाहिए। क्या कि जब प्लास्टर होगा तो आधा इंच प्लास्टर होता है, तो वो उसके पूरे बराबर में आ जाए, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच ये बराबर होना चाहिए। दीवार से थोड़ा आधा इंच बाहर की तरफ ये बोर्ड होना चाहिए या फिर कोई भी बॉक्स होना चाहिए। उसके बाद वो जो प्लास्टर करेगा तो बहुत ही अच्छा अच्छे से प्लास्टर करेगा, और आपका बोर्ड जो है पूरे दीवार के बराबर में रहेगा, पैरेलल में, तो आपका जो दीवार है वो दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जब ड्रिलिंग मशीन चलाते हो तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप एंगल ग्राइंडर चलाते हो तो ये बैक मारता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स आता है बैक की तरफ कभी कभी, और ये फोर्स मारता है बैक की तरफ, इसीलिए जब भी आप एंगल ग्राइंडर चलाते हो तो दोनों हाथ से बहुत ही अच्छे से आपको एंगल ग्राइंडर को पकड़ना है, नहीं तो यदि जब ये मेनली जब आप दीवार काटते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा फोर्स से बैक मारता है, और यदि आपका हाथ से छूट गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए जब भी आप एंगल ग्राइंडर चलाओ तो आपको ध्यान से चलाना है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हम दो पाइप काट के ऊपर में लगा दिए, क्योंकि ऊपर का छत से हम दो पाइप आया हुआ है, और यहाँ पे एक पाइप को इस तरीके से लगा के हम यहाँ पे एक बल्ब लगाएंगे। और ये जो है जैक्सन बॉक्स है, इस जैक्सन बॉक्स से एक पाइप नीचे जाएगा और एक पाइप इस साइड भी जाएगा। एक पाइप लगा के ये बल्ब ऊपर की तरफ चला गया, और एक पाइप नीचे जाएगा और एक पाइप इस तरफ जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और ये पाइप लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिप भी लगाना है, ताकि ये जो पाइप है ये अच्छे से फंस जाए। ये आपको मार्केट में मिलेगा, यहाँ पे अभी थोड़ा सा जगह नहीं है, तो उसे हम थोड़ा सा काट के हटा देंगे और इसे हमें लगाना है। जब इसे आप लगा देते हो तो ये पाइप अच्छे से फंस जाता है, तो जब भी कोई प्लास्टर करने यहाँ पे आता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं तो यदि आप इसे नहीं लगाते हो तो जब कोई प्लास्टर करने आ गया तो यदि इसमें थोड़ा सा लग गया तो ये पाइप कभी कभी बाहर आ जाता है, तो फिर उसको प्रॉब्लम होता है प्लास्टर करने में। जब आप इसे लगा दोगे तो ये पाइप कभी बाहर नहीं आएगा और ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। अभी आप पूरा वीडियो देख के समझ सकते हो कि किस तरह से आप अपने घर को हाउस वायरिंग करेंगे, और इस तरह से आप आसानी से अपने घर का हाउस वायरिंग कर सकते हो और अपने घर का पैसा बचा सकते हो, क्योंकि कोई भी जब हाउस वायरिंग करने आता है तो वो बहुत ही पैसा डिमांड करता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को देख के आप बड़े आसानी से आप अपने घर का हाउस वायरिंग कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ पर आपको जैक्सन बॉक्स लगाना है, कहाँ पर बोर्ड लगाना है। यहाँ पर भी हम देखो, यहाँ पर काट लिए हैं और इस साइड भी पाइप लगा दिए हैं, और यहाँ पर हम इस तरीका से पाइप लगाएंगे। तो ये जो बोर्ड है वो रूम के अंदर के तरफ है,
कि बोर्ड रूम के अंदर की तरफ है और अंदर हमें पाइप डालना था, तो वो पहले हमें बोर्ड के जगह काट लेना था, उसके बाद हमको पाइप लगाना था, लेकिन हम पहले ही आधा दूर काट चुके थे, इसीलिए ये पाइप टेढ़ा हो गया। यहाँ पर इस साइड पूरा वायर हाउस वायरिंग हो चुका है और यहाँ पर हमें अंदर पाइप लाना है, इसीलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। और हम बाहर से पाइप इसलिए इसमें लाए क्योंकि यहाँ पे बीम है, तो बीम को हम छेद नहीं कर सकते, इसलिए हम बाहर से पाइप लाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें पूरा कनेक्शन हो चुका है। ऊपर से जो दो पाइप आया है छत से, वो एक इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है। और यहाँ पे जंक्शन बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स एक नीचे की तरफ गया रूम के अंदर मेन बोर्ड में, और यहाँ से एक राइट साइड जो गया है वो एक बल्ब है, और ये लेफ्ट साइड से आया है एक पाइप। यहाँ पे इसका सारा कनेक्शन किया गया है। इस तरीके से आप हाउस वायरिंग कर सकते हो। अगले वीडियो में आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।